नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। प्रयागराज में अतीक और अशरफ के हत्यारे को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले आए सामने। बिलासपुर सिंगूर रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ियों की आपस में टकराने की घटना आई सामने। महाराष्ट्र के ठाणे में ओरियन बिजनेस पार्क और सिने बंजर मॉल में लगी भीषण आग। कर्नाटक SDRF ने सूडान में फंसे लोगों के लिए जारी किए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भरभरा कर गिरी पार्किंग गैरेज, मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी और शाह समेत 40 लोगों के नाम शामिल। चीन के अस्पताल में भीषण आग का मंजर, जान बचाने के लिए खिड़की पर लटके दिखे लोग, तो वहीं कईयों ने अपनी जान बचाकर कूदे नीचे। सलमान खान की फिल्म का नया गाना हुआ रिलीज, दबन खान का आया लुंगी डांस। और आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित।